नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी लैंड पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है इंडियन नेशनल लोकदल यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसे कि हमने कहा कि आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन नेशनल लोकदल। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा? एक इंग्लिश सिविल सर्वेंट ए ओ ह्यूम, इसकी नींव रखी थी। इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी? इसका जो पहला सेशन था, फर्स्ट सेशन, कहाँ पर हुआ था? बॉम्बे 1885, जिसके हेड कौन थे, अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डब्ल्यू सी बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही उस मीटिंग में टोटल 72 सदस्य थे। उस मीटिंग में कब हुई थी शुरुआत? 28 दिसंबर 1885 को 12 बजे कहाँ पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ये आपसे नाम पूछ लिया जाएगा तो याद रखना आपने। कहाँ पर हुई थी? मुंबई में, जिसको उस टाइम पे बॉम्बे कहा जाता था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए ओ ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक भी कहा जाता है। ये 1882 में बंगाल सिविल सर्विस से रिटायर हुए थे। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, बहुत बार एग्जाम में आ जाता है आपसे पूछ लेंगे कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कौन थी? एनी बेसेंट। ठीक है फ्रेंड्स, जिनका जन्म 1847 इंग्लैंड में हुआ था, ये आपने याद रखना है। ये 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी दोस्तों। ठीक है, तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कब बनी थी? 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, और भी इनके बारे में बहुत से फैक्ट हैं, जैसे कि समाजवादी आंदोलन से कब जुड़ी हैं, समाजवादी आंदोलन से जुड़ी 1893 में और भारत आई। ठीक है, और 1898 में बनारस में इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। याद रखना आपने ये कि इन्होंने बनारस में 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में हिंदू यूनिवर्सिटी बना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक नाम आता है, दादा भाई नरोजी। जिन्हें द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जिन्हें द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है दोस्तों। ये 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि ये अध्यक्ष कौन, कब बने थे, या उस समय कौन सा साल था, अधिवेशन कहाँ पे हो रहा था, ये सारे फैक्ट आपसे पूछ ले जाएंगे, इसलिए आपने याद रखने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट है वो है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, बहुत बार एग्जाम में आता है, ये आपने याद करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का के मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, के मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे वो? बदरुद्दीन तैयबी। बदरुद्दीन तैयबी या तैयब जी। ठीक है, कब बने थे ये अध्यक्ष? दिसंबर 1887 में। को
कौन से अधिवेशन में, तो मद्रास अधिवेशन में ये अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए 1885 से लेके 1905 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस पर उदारवादी नेताओं का दबदबा रहा, यानी जो शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बातें मनवाने में लगे होते थे। उसके बाद यह इंडियन नेशनल कांग्रेस दो गुटों में बदल गई, जैसे एक थे उदारवादी नेता और दूसरे गर्मपंथी, जिन्हें कहा जाता है नरमपंथी या गर्मपंथी। तो यहाँ पर उदारवादी नरमपंथी और गर्मपंथी, यानी मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है दोस्तों, तो उदारवादी नेताओं में कौन थे, जैसे दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोविंद रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये उदारवादी नेताओं के नाम हैं। बहुत बार आपसे पूछ लिया जाता है कि गर्मपंथी के कौन कौन से नेता थे, तो आपने याद रखना है लाल बाल पाल, यानी कि बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, विपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था इंडियन नेशनल कांग्रेस को लेकर। आई होप आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। राइटिंग प्रॉब्लम है दोस्तों, इसको निगलेक्ट करते हुए फैक्ट को नोट कर लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। इसी तरह से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।